हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना और मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रोज रोज पुरानी चीजें खा खा कर बोर हो गए हैं, तो क्यों ना कुछ नया बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं मक्की के ढोकले, जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। और फ्रेंड्स, आप चाहो तो बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो या सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हो, फटाफट से बन जाता है और फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी वाला नाश्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मक्की के ढोकले। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप मक्की का आटा ले लिया है और इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया है हरा धनिया, 2 चम्मच कसूरी मेथी, 2-3 हरी मिर्च और यहाँ पर 2-3 लहसुन की कली और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। तो अब हम इनको आटे में डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पर हम लेते हैं 1/2 चम्मच हल्दी, इसको भी हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, जिसको हम अच्छे से मसल के डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने जीरा भी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन, 1/2 चम्मच में इसके अंदर अजवाइन डाल रही हूँ। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच तिल लिया है हमने सफेद वाला, इसका भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मूंगफली ली है, जिसको मैंने भून के इसका मिक्सचर बना लिया है और अब मैं इसके अंदर इसको भी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कटोरी दही, ये ताजा वाला दही है, तो इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है 1/2 चम्मच हींग, इसको भी हम इसके अंदर एड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आटे में सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप याद रखें कि आटा अब जब भी गूंथे तो इसको हम गुनगुने पानी से ही गूंथेंगे। तो मैंने भी यहाँ पर गुनगुना पानी ले लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा डाल के इस आटे का डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको हम चम्मच तो रखेंगे हम साइड में और अपने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करके इसका डो तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आटा गूंथ चुका है। अब हम इस आटे को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद में हम बनाते हैं ढोकले। फ्रेंड्स, हमारे आटे को 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम उससे पहले यहाँ पर हमने एक भगोना लिया है, इसके अंदर हम ढोकले बॉईल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ एक स्टैंड, इस तरीके से हम इसमें एक स्टैंड रख देंगे और यहाँ पर रखेंगे इसमें 1 प्लेट और इसके अंदर हम ढोकलों को उबालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये प्लेट निकाल लेती हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें प्लेट रखी थी। तो मैं यहाँ पर पहले पानी डालूंगी इसके अंदर, अभी मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डालने वाली हूँ और अब मैं यहाँ पर प्लेट रख देती हूँ और अब मैं इसको गैस पे रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बॉईल होने के लिए पानी गर्म रख दिया है, इसको हम ढक देते हैं और हम बनाते हैं ढोकले। तो फ्रेंड्स, अब हम ढोकले बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, हम थोड़ा सा आटा लेंगे, वो लोई से बड़ा लेंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं तो उससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे करके दबा देंगे और इसमें हम बनाएंगे बीच में 1 छेद, ये देखिए इस तरीके से, और इसको पलट कर भी हम इसी तरीके से छेद बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ढोकला बन चुका है, अब हम इसी तरीके से सारे ढोकले बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे सारे ढोकले बन चुके हैं, अब हम इनको बॉइल करने के लिए रख देते हैं। तो ढक्कन निकालते हैं, यहाँ पर हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, अब हम एक एक ढोकले को आराम से इसके अंदर रख देते। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ढोकले रख दिए हैं, अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और हम इसको 1/2 घंटे तक मीडियम फ्लेम पे इनको उबलने देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे ढोकले बॉईल हुए हैं कि नहीं, तो हम ढक्कन हटाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, वाओ, हमारे ढोकले फूल के देखिए कितने अच्छे हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर एक तिल्ली लेते हैं, ये देखिए इस तरीके की तिल्ली, और हम इसको चेक करते हैं दूसरे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे तिल्ली में नहीं चिपका है, इसका मतलब हमारे ढोकले उबल चुके हैं। तो हम यहाँ पर गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद में हम ढोकले निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने ढोकलों को एक प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इनके ऊपर लगाएंगे घी, जो घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सारे ढोकलों पर घी लगा देती हूँ और फिर मैं इनको एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे मक्की का ढोकला बनकर एकदम तैयार हो चुका है। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी बना है। क्यों आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी। तो फ्रेंड्स आप इसे दाल के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो किसी चटनी के साथ भी इसे खा सकते हो। और अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इसे घी और चीनी डाल के भी खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, सभी को बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।